वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद फायद के साथ तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं 2 kg की बिरयानी। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 kg चिकन, ठीक है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है, ठीक है। वॉश करके जो है वो चिकन को रख दिया है। अच्छा जी, स्पाइसेस में लिया है 1 पाव दही, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, बिरयानी मसाला पूरा 1 पैकेट। यहाँ हमने लिया है शाम का बिरयानी मसाला, गर्म मसाले खड़े जिसमें सब मसाले शामिल हैं, प्याज भी है 3 अदद, 2 किलो राइस है और 2 किलो हरी मिर्च डालेंगे, ऐड टू टेस्ट लेमन यूज़ करेंगे और टमाटर लिए हैं 5 अदद प्योरी लेंगे टमाटर की, 5 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया। सो लेट्स स्टार्ट। 1 पॉट बिरयानी है, बहुत मज़ेदार बनती है जी। यहाँ बड़ा बर्तन लिया है क्योंकि 1 पाव ऑयल शामिल किया है और ये सब अनियन पहले फ्राई कर लेते हैं तो इसे लाइट गोल्डन फ्राई, ठीक है। होना शुरू हो गई है। अब जो 2 kg चिकन रखी थी वो फ्राई किया, अब अदरक लहसुन जी, अदरक लहसुन शामिल किया 1/2 कटोरी, इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करते हैं इन सबको थोड़ा सा, ठीक है। इनको मिक्स सॉटे करने के बाद अब सारे स्लाइसेस शामिल करते हैं। 1 से 2 मिनट इन्हें कुक कर लिया है, इसके साथ भून लिया अच्छी तरह से मसालों को, सबको सॉटे कर लिया जी। अब शामिल करते हैं बिरयानी मसाला पूरा 1 पैकेट, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सब गरम मसाले, कंप्लीट गरम मसाले इसके साथ से थोड़ा कुक करते हैं, मिक्स करते हैं। कुक किया 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। अच्छी तरह से सबको ये 4 हरी मिर्ची शामिल किए और ये टमाटर जो 5 अदद लिए थे इनका पेस्ट शामिल कर दिया, ठीक है। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करते हैं फिर दही शामिल करते हैं जी। अब इसे कवर कर दिया है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसे कवर करते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, ना 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि चिकन और मसाला अच्छी तरह से बन जाए। फिर इसी में चावल राइस ऐड करेंगे, 15 से 20 मिनट में ये कम्प्लीट कुक होगा जी। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, ठीक है, और ये अब तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर अप कर रहे हैं ताकि मसाला और चिकन अच्छी तरह से गल जाए, फिर राइस शामिल करेंगे। कवर कर दिया है, राइस में 2 किलो जिन्हें सोक कर दिया था पहले से, दोनों को पहले, और अब जो है इन्हें वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। नींबू, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना आखिर में ऐड करेंगे दम के बाद। हर चीज़ अच्छी तरह से परफेक्ट गल गई है। अब इस स्टेज पर जो है वो जो हमने राइस सोक किए थे 2 kg वो राइस इसमें शामिल करते हैं जी। ये राइस और पानी जो है वो राइस के हिसाब से जो है इसके अंदर 2 ग्लास शामिल किया है, ठीक है, और 2 किलो राइस थे। अब जो है इसके अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच बड़े चार नमक का डाला है, आप ऐड टू टेस्ट डालिएगा, उसे चख लीजिएगा। अब इसे जो है वो हम कुक करते हैं और फिर दम लगाते हैं। बहुत मज़ेदार डिलीशियस हमारी 2 kg की बिरयानी, यानी कि 2 kg राइस हैं और 2 kg चिकन है, यानी कि 4 kg की बिरयानी तैयार है। इस स्टेज पर जो है वो दम लगा देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्ची डाली हैं और अब ये फूड कलर शामिल कर रहे हैं बिरयानी में, फिर इसे ऊपर नीचे करके और इसे सर्व कर देंगे। जी हमारी चिकन बिरयानी जो 2 kg की हमने तैयार की थी वो रेडी टू सर्व है। खाने में बेहद मज़ेदार थी, आपने देखा कि 1 पॉट बिरयानी की रेसिपी थी, बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, ईजी थी, इसे मैंने सर्व कर लिया। इसे मैंने दम दे दिया था 5 से 6 मिनट के लिए और दम देने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। खाने में बेहद मज़ेदार, बहुत स्पाइसी चटपटी सी जो है ये हमारी बिरयानी रेडी है। रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ मैंने रायता डन किया है, रायते के साथ बिरयानी बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत आसानी से कोई रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।